नमस्कार दोस्तों, आरके इलेक्ट्रॉनिक झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमारे टेबल पर ये देख सकते हैं दो पीस 450 का नेटवर्क किट रखा हुआ है, ठीक है। तो आज इसके बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों, एक भाई का कमेंट था जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोनों नेटवर्क किट के बारे में आज मैं आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करके बताऊँगा कि कौन सी कंपोनेंट दोस्तों हमें कहाँ पर लगानी है, और अगर ये सब सेम चीज़ अगर ना मिले तो आपको इसके जगह पे क्या करना है, सारी चीज़ें बताऊंगा। तो एक भाई का कमेंट था कि दोस्तों, उसने कमेंट करके बताया था मुझे कि चीनी मिट्टी अगर टूटी हुई है, यहाँ पर इस क्वाइल के बगल में आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये जो चीनी मिट्टी आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे टूटा हुआ उनका। तो उनका कहना था ना कि चीनी मिट्टी के जगह पर अगर ये टूट गया है तो हम क्या करें, उसे चेंज कर दें या फिर मैं उसी को रहने दें। तो आज उसी के बारे में मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ, ठीक है। तो मैं पूरा का पूरा आपको यहाँ पर बताऊँगा कि ये इसमें तो दोस्तों बिल्कुल डेड है, बिल्कुल दोस्तों मेरे पास एक कबाड़ी में पड़ा हुआ था। तो आज मैं इसे आपको रिपेयर करके भी बताऊंगा और चेक करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो कैपेसिटर लगे हुए हैं, यहाँ पर दो फ्यूजेबल रेजिस्टेंस भी आप लगा सकते हैं, और क्या लगाना है आपको मैं सारी बातें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो में जो है सो आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में अगर आप पहली बार हैं, नए हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन आप लोग दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। तो चलिए, सबसे पहला जो मुझे काम करना है, इसमें जितने भी गंदगी वगैरह जमी हुई है इसे आपको साफ़ कर लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसे साफ़ कर लेता हूँ। और चीनी मिट्टी अगर टूटी है और अगर उसका फिलामेंट, अगर उसका रेजिस्टेंस का जो तार होता है दोस्तों, इसमें जो लपेटा हुआ है, मैं आपको बिल्कुल दिखाऊँगा अभी, तो उसे रखना है या नहीं रखना है, क्या वो हमारी फिर से काम करेगी कि नहीं करेगी, सभी चीज़ें मैं बताऊंगा। तो आप किसी किसी नेटवर्क किट में आप देख सकते हैं गोल वाली भी रेजिस्टेंस लगी होती है, किसी में स्क्वायर लगी होती है। तो आपको कौन सी लगानी है, गोल वाली के जगह पे आप स्क्वायर लगा सकते हैं या नहीं, या फिर स्क्वायर के जगह पे यहाँ पे गोल हम लगा सकते हैं कि नहीं, वो सभी चीज़ें मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला करना क्या है कि जो हमारी रेजिस्टेंस की जो पिन यहाँ पर टूट करके रह गई है, इसे आपको साफ़ कर लेना है, ठीक है। चलिए, मैं इसे फटाफट साफ़ कर लेता हूँ। तो अगर आप इस तरीके से रिपेयर करेंगे तो दोस्तों, नेटवर्क किट की जो प्लेट है उसे आपको कभी भी नया दोबारा ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर कुछ भी ख़राब होती है तो इसमें ज़्यादा कुछ मैकेनिकल चीज़ है नहीं, ज़्यादा माथा पच्ची भी नहीं करनी है। जो सामान यहाँ पे टूटा है, जो सामान यहाँ पर जली है, बिल्कुल आपको सेम वही लगा देने हैं, ठीक है। अगर सेम नहीं मिलती है तो मैं उसके बारे में भी बताऊँगा यहाँ पर। आप मार्केट से आसानी से ख़रीद के आप खुद से ही अपने घर में ही बैठे बैठे आप रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जिसका चीनी मिट्टी टूटा हुआ उसे भी हम यहाँ पर बाहर निकालेंगे, और हालांकि अगर उसका जो कंटिन्यूटी है दोस्तों बिल्कुल मिल रही है, ठीक है, कंटिन्यूटी यहाँ पर है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर चेंज इसलिए कर देंगे कि इसकी जो पिन है दोस्तों बिल्कुल जंग लगा हुआ है, तो फिर भविष्य में ये फिर ख़राब हो सकती है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और अगर हमारी फ्रेश होती जो इसकी पिन है, जहाँ पर सोल्डिंग लगी हुई है, अगर बिल्कुल फ्रेश होती तो फिर हम यहाँ पर इसे छोड़ देते, लेकिन सही नहीं है जिसके कारण मुझे इसे बदलना पड़ा। और चलिए, देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसे साफ़ कर लिया है। अब साफ़ करने के बाद अभी इस प्लेट में देखेंगे तो कुछ भी नहीं बचा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल यहाँ पर दो रेजिस्टेंस इधर से और दो रेजिस्टेंस इधर से हमें लगानी है, चार रेजिस्टेंस है। इसके बाद में दो NTC हमारे यहाँ पर लगाने हैं आपको, देख सकते हैं, और दो कैपेसिटर हमारे यहाँ पर है और दो छोटे से हैं, ठीक है। ये टोटल यहाँ पर अभी हमारे छः पार्ट से अब बचा हुआ है। तो सबसे पहला आपको करना क्या है कि मैं यहाँ पर रेजिस्टेंस आपको फिल करके दिखा देता हूँ, और यहाँ पर आपको 10 ओम्स 25 वाट की रेजिस्टेंस आप लगा सकते हैं, या फिर आप इसमें अगर 10 ओम्स ना मिले तो उसके जगह पे 20 ओम्स भी लगा सकते हैं। और हमारी यहाँ पर गोल वाली कॉइल लगी थी पहले, तो मेरे पास गोल नहीं है, ये देख सकते हैं यहाँ पर इसकी जो शेप बनी हुई है ये गोल के लिए बनी है, और यहाँ पर मेरे पास ये स्क्वायर में है। अगर दोस्तों आपके पास ये कॉइल नहीं है तो कॉइल के लिए मैंने यहाँ पर वीडियो पहले बनाई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कनेक्शन कर लेना है। तो यहाँ पे कनेक्शन आपको कैसे करना है, मैं इसकी बैक साइड में भी आपको मैं दिखाऊंगा, इसकी जो ट्रैक है ट्रैक मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। अगर आपके पास ये कॉइल जली हुई है और ये बॉबिन अगर सही सलामत बचा है तो दोस्तों आपको टोटल 50 टर्न यहाँ पे आपको लपेटनी है, 50 टर्न आप लपेट दीजिए, बिल्कुल आपका कॉइल बंद करके कम्प्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, थोड़ी सी मैं यहाँ पर आपको इस कॉइल को टाइट करने के लिए दो छेदा हमें कर लेना है ड्रिल से, ठीक है, ताकि हमारी ये कॉइल बिल्कुल टाइट रहेगी और टाइट लॉक के माध्यम से हम इसे टाइट कर देंगे। चलिए, इसे मैं इस ड्रिल से छेदा कर लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले छेदा करने के लिए
कॉइल को हम बिल्कुल शेप में नापी कर लेंगे। तो इधर इस तरह के वर्टिकल आपको नहीं लगाना है। तो यहाँ पर अब ट्रैक हमारी दोनों तरफ है, तो दोनों तरफ इसका फेस होना चाहिए सोल्डिंग करने के लिए। तो मैं इस तरीके से यहाँ पे और रेजिस्टेंस दोनों तरफ का जो जगह है दोस्तों उसे आपको छोड़ देना है दोनों तरफ, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान में रखते हुए और मैं मार्क कर लेता हूँ और दो छेदा हमें कर लेना है और टाइल लॉक के माध्यम से हम टाइट कर देंगे ताकि ये बिल्कुल अपने जगह से ना हिले। नहीं तो बहुत बार आपने देखा होगा कि कॉइल हमारी टूट करके गिर जाती है, रेजिस्टेंस भी टूट के गिर जाती है, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने दो मार्क कर लिया है और दोनों मार्क में ही हम छेदा करेंगे। तो इसे छेद करने के लिए आपको ड्रिल लेना ही होगा। अगर आपके पास ड्रिल नहीं है तो फिर पतला नुकीला चीज़ आपको धीरे धीरे से घुमाते हुए हॉल करना है। अगर कांटी डायरेक्ट आप ठोक देंगे तो फिर होगा क्या कि ये फट जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसे छेद कर लेता हूँ, देख सकते हैं मैंने ये छेद कर चुका हूँ। और अब जो है सो यहाँ पर दोनों किनारे कॉपर में आपको स्क्रैच कर लेनी है सोल्डिंग के लिए। तो यहाँ पर मैं चाकू या फिर कोई भी चीज़ से आप स्क्रैच कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को अगर वीडियो अच्छे लगे तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए रियल कंटेंट लेकर के आता हूँ। और दोस्तों कल की जो वीडियो मैंने बनाई थी ओम्स और एम्पलीफायर को लेकर के, ये आप लोगों के बीच कैसी रही है कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा। आप लोग कमेंट बहुत ही कम किए हैं, ठीक है। तो कल की जो वीडियो थी वो दोस्तों मेरी फर्स्ट फेस वीडियो थी, ठीक है। इसलिए अगर उसमें से कोई भी थोड़ी सी अगर हमसे अगर मिस्टेक हुई होगी बोलने में तो उस पर आपको ध्यान नहीं देना है और मुझे कमेंट करके आप लोग डायरेक्ट बता सकते हैं ताकि मैं उसमें कुछ आप लोगों के लिए कुछ सुधार कर सकूं, ठीक है। तो चलिए मैं फिर से अपना टॉपिक पर हम आते हैं। और यहाँ पे दोस्तों गोल वाली जो कॉइल पहले लगी थी तो कोई दिक्कत नहीं है, आप स्क्वायर भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास स्क्वायर कॉइल का जो बोबिन है दोस्तों ये भी नहीं है तो फिर आप कोई भी चीज़ में प्लास्टिक की चीज़ में आपको 50 से 60 बार आपको लपेट देनी है। और इसकी जो वायर गेज है दोस्तों ये हमारी 23 नंबर वायर है, ठीक है। मैं इतना आपको बता देता हूँ, आप 23 नंबर की वायर से आप इसे लपेट सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं इसे टाइल लॉक से टाइट कर चुका हूँ और आपको यहाँ पर थोड़ी सी बोन टाइट मार देनी है ताकि ये बिल्कुल ही टाइट हो जाए। तो चलिए मैं यहाँ पर इसे सोल्डिंग भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको सोल्डिंग करनी है और सोल्डिंग अच्छे से करना है, नहीं तो दोस्तों बहुत सारे नेटवर्क किट में आप देखे होंगे कि सबसे पहले जो ख़राब होती है हमारी सोल्डिंग ही छूटती है गर्म होकर के। तो देख सकते हैं यहाँ पे कॉइल हमारा लग चुका है और यहाँ पर हमें इसकी रेजिस्टेंस डालनी है। तो 10 ओम्स 22 वाट की रेजिस्टेंस है मेरे पास, 25 वाट की है। तो अगर आपके पास 10 ओम्स की रेजिस्टेंस ना रहे तो इसके जगह पे आप 15 ओम्स 20 ओम्स 22 ओम्स 25 ओम्स का भी लगा सकते हैं, कोई भी मुश्किल नहीं आने वाली है। अगर आप गोल्ड वाली रेजिस्टेंस जो आप बगल में आप देख रहे हैं ग्रीन कलर की, आप अगर इसके जगह पे आप इसे भी लगाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। दोनों में से आप किसी को भी लगा सकते हैं। अगर आप सोचते होंगे कि हमारी चीनी मिट्टी वाली अगर हम हटा दें और ग्रीन लगा दें और हमारी नेटवर्क किट में अगर हम ट्विटर जोड़ेंगे तो फिर हमारी आवाज़ में कोई डिफरेंस होगी, तो दोस्तों बिल्कुल ही कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जो आवाज़ आपको इसमें मिलेगी सेम आवाज़ आपको उसी उसमें भी आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम मेरे पास है ये सफ़ेद वाली, इसलिए मैं सफ़ेद वाली ही लगा रहा हूँ। हालांकि ग्रीन और हरा दोनों है, ग्रीन और सफ़ेद दोनों है मेरे पास में, ठीक है। तो चलिए हमें चारों रेजिस्टेंस को फिल कर लेते हैं और जहाँ पे आपको रेजिस्टेंस लगानी है उस जगह पे सिंबल दिया हुआ है रेजिस्टेंस का। जहाँ पे कैपेसिटर लगानी है वहाँ पे कैपेसिटर का सिंबल दिया हुआ है। जहाँ पे दोस्तों हमारी NTC लगानी है वहाँ पे हमारी कंटिन्यूटी का सिंबल दिया हुआ है। तो यहाँ पर सभी रेजिस्टेंस को हम फिल कर लेते हैं, ठीक है। तब देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे मैंने चारों रेजिस्टेंस फिल कर लिया हूँ और सभी में अब हमें सोल्डिंग करनी है। तो चलिए अच्छे से सोल्डिंग कर लेंगे और यहाँ पर एक्स्ट्रा सोल्ड करना है ताकि बिल्कुल ये जमी रहे, ठीक, और कोई भी स्पार्किंग वगैरह ना हो, ठीक है। चलिए यहाँ पर सोल्डिंग भी कर लेते हैं। और दोस्तों वीडियो मैंने ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, ठीक है, बीच में हम थोड़ी सी कट कर देंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर सोल्डिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है और नेटवर्क किट भी हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। तो अगर यहाँ पर NTC के जगह पे जो पीला कलर के आप देख रहे थे
वो दोस्तों अगर ख़राब हो जाए तो आप वहाँ पर दोनों को जम्फर भी लगा सकते हैं, ठीक है। और ये हमारी इन है, चलिए मैं आपको टेस्ट करके भी दिखाऊंगा। अगर इसमें जो चार कैपेसिटर लगे हुए थे, दो बड़ा और दो छोटा, अगर इधर हमारी प्रॉब्लम होगी तो फिर उसे भी हम चेंज करेंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं आप सबसे पहले आप चेक करके हम देख लेते हैं ठीक है या फिर नहीं है। तो मैं हमारे एक सब्सक्राइबर भाई कमेंट किए थे कि चीनी मिट्टी अगर टूट जाए तो दोस्तों क्या उसे रखना चाहिए या फिर हटा देना चाहिए। तो मैं उनके जवाब में यही कहना चाहूँगा कि दोस्तों अगर रेजिस्टेंस का जो वाइट होता है, जो आप चीनी मिट्टी जिसे बोल रहे हैं, अगर ये टूट जाती है और उसका कंटिन्यूटी अगर बरकरार है, बिल्कुल सही है, तो आप उसे छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। जब तक बिल्कुल ही इसका जो कंटिन्यूटी है बिल्कुल टूट ना जाए और आपस का में जो संपर्क है उसका बिल्कुल ही टूट ना जाए, तब तक आप उसे चला सकते हैं। हालांकि ज़्यादा लाइफ तो नहीं रहेगी, फिर झटका में वो टूट सकती है, लेकिन फिर भी आप उसे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो HF का कनेक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है, ये हमारी ट्यूटर के लिए है। तो मैं आपको यहाँ पर MP3 चला के भी दिखाऊँगा अभी, और देखते हैं हमारी प्रॉब्लम, हमारी जो नेटवर्क किट है ये बिल्कुल रिपेयर हुई या नहीं, ठीक। तो चलिए मैं इसे कनेक्शन सारा कर लेता हूँ, और कनेक्शन करने के बाद अभी हम MP3 चला के आपको दिखाते हैं। और आप लोग वीडियो में कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना कि ये वीडियो कैसी लगी और इसकी आवाज़ कैसी रही, ठीक है। चलिए हम फटाफट इसे कनेक्शन कर लेते हैं। और दोस्तों एक ख़ास चीज़ और है कि ये जो ट्विटर है मेरे पास 450 का है, और नेटवर्क किट भी मेरा 450 का है, लेकिन आप इसमें 518 तक की जो ट्विटर होती है आप इसे चला सकते हैं, ठीक। 450 का जो नेटवर्क किट होता है आप इसमें 518 तक चला सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा कनेक्शन सब हो चुका है, चलिए अब हम अपना एम्पलीफायर ऑन करके MP3 चालू करते हैं। तो दोस्तों आवाज़ भी हमारी बिल्कुल सही थी, कहीं से हम मुझे तो नहीं लगा कि कोई दिक्कत है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कबाड़ में फेंका हुआ नेटवर्क किट को आप खुद से रिपेयर कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पे दो कैपेसिटर अगर हमारी ख़राब होती तो हम इसे ज़रूर चेंज करते, ठीक है। ये भी अगर ख़राब होती तो यहाँ पे आपको जम्फर लगा देना था, आप यहाँ पर जम्फर लगा दीजिएगा, ये चालू हो जाएगी अगर यहाँ ख़राब रहेगी तब, ठीक। तो वीडियो के बारे में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।